हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, केरला स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी आयुर्वेदा बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी और आयुर्वेदा कोर्स के लिए एडमिशन नीट स्कोर पर होगा, मगर अभी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें केरला के स्टूडेंट को यहां पर एडमिशन गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 85% सीट पर एडमिशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट कैंडिडेट को 15% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी फीस 5 लाख रुपये पर ईयर है। इसके बारे में डिटेल वीडियो चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो आपने एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन डिटेल पर क्लिक करना है CEEkerala.org की वेबसाइट पर। इसमें क्लिक करने के बाद में अप्लाई KEM 2020 का लिंक आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पहले ये कंडीशन दी गई है, फॉर्म की ओपन की और लास्ट डेट दिया गया है। इसके बाद में स्टेप, टोटल 5 स्टेप दी गई है और लास्ट में डिक्लेरेशन है। आपने डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पर चेक करके इसमें प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, आपने यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसके बाद में पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आप अल्फाबेट में एक अक्षर इसमें सेट करेंगे, उसके बाद में आप @ वगैरह इस प्रकार का साइन करते हुए टोटल 8 करेक्टर इसमें होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का नोटिस आएगा, जिसमें लिखा होगा कि अगर आप ओके करेंगे तो इसमें बाद में कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे मोबाइल में 1 टाइम पासवर्ड आएगा। 1 टाइम पासवर्ड यहाँ डालकर सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और आपका एप्लीकेशन नंबर आने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन का टेप दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन का टेप कंप्लीट हो गया है, फिल एप्लीकेशन करना है या स्टेप टू में फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ जेंडर डालना है, नेशनलिटी डालना है, उसके बाद में नेटिविटी डालना है। नेटिविटी में अगर आप केरला से हैं तो केरलाइट डालना है, अगर आप केरला के नहीं हैं, आउट स्टेट के हैं तो इसमें नन केरलाइट NK2 डालना है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये आपने यहाँ ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद में आधार नंबर ऑप्शनल है, डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में नेटिव स्टेट में अगर आप केरला से हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फादर डिटेल्स में, मदर डिटेल्स में फादर का नाम लिख दीजिए, मदर का नाम लिख दीजिए, और नेटिव डिस्ट्रिक्ट में अगर केरला के तो केरला का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आउटसाइड केरला सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें नीचे ही नीचे ऑप्शन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देना है, फादर मदर की ऑक्यूपेशन डिटेल डाल देनी है, और इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपने कोर्स चूज करना है, मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज पर आपने चेक बॉक्स पर चेक कर देना है। उसके बाद में आपने नीट यूजी 2020 के एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नीट 2020 का आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वही यहाँ पर डालना है। यहाँ ध्यान रहे कि जब तक आप ये नंबर नहीं डालेंगे तब तक आगे स्टेप प्रोसीड नहीं होगा। इसके बाद में नंबर डालने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल में परमानेंट एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे एकेडमिक डिटेल्स भरना है आपको, प्लस टू या इसके समकक्ष जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालनी है, पास है या अपीयर है वो डालना है। इसके बाद में आपने सेव एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे ये इसमें देखो कॉमनल रिजर्वेशन डिटेल्स लिखी है, इसमें जो केरला के स्टूडेंट हैं उन्हीं को ये डिटेल डालनी है, अदरवाइज जो केरला के नहीं हैं उनको इस स्टेप में कुछ नहीं फिल करना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन अगर आप कोई लेना चाहते हैं इसमें केरला के हैं तो ये इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगर आप केरला के रहने वाले नहीं हैं तो इसमें नो करके आगे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे
फैमिली की यहाँ एनुअल इनकम आपने रुपीज में भरनी है, सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा इसमें, तो इसमें नीचे डिक्लेरेशन में चेकबॉक्स पर चेक करके सेव एंड फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का नोटिस आएगा कि इसमें फर्दर आप एडिट नहीं कर सकते, ओके करेंगे, सेव एंड फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपका फिल एप्लीकेशन का स्टेप टू पूरा हो चुका है, अभी आपको फीस पेड करनी है। इसमें स्टेप थ्री में पे एप्लीकेशन फीस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद में जो भी आपका अमाउंट आता है, जैसे आप एक मेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए 500 रुपये फीस लगेगी। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है, ई चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, प्रोसीड फॉर पे पर क्लिक करेंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन पर आप पे कर सकते। तो इस प्रकार से मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा इसमें थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है और इसमें फोर्थ स्टेप में आपको अपलोड इमेज और सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। तो अपलोड इमेज में आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट में जो केरला के आउट स्टेट के कैंडिडेट हैं यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद जो केरला स्टूडेंट हैं उनको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो इस प्रकार से फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और फिफ्थ स्टेट में आपको कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट लेना है। कन्फर्मेशन पेज इस प्रकार से आएगा, इसका आपने प्रिंट लेके फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी MBBS BDS और आयुर्वेद कोर्स के लिए केरला स्टेट के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।